नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कवर जो ओल्ड मॉडल 110 आती थी इसका वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग ट्रबल जैसे कभी भी आपके एसटी कॉइल पे स्टार्टिंग मतलब करंट नहीं आता है तो उसमें आपको क्या क्या करना है। एक बात और दोस्तों, इसमें जो इंजन लगा हुआ है और इसमें जो वायरिंग है बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम प्लेटिना वाली है, जो प्लेटिना BS4 से पहले पहले आती थी जिसमें डिस्कवर का इंजन नहीं आता था, उसमें प्लेटिना जो अभी डिस्कवर वाला इंजन आ रहा है वो वाला नहीं, जिसमें पहले खुद का जो प्लेटिना CT100 का इंजन आता था ना वो वाला इंजन है इसमें, और वही वाली इसमें वायरिंग सेम है। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही अगर कोई स्टार्टिंग ट्रबल प्लेटिना में भी होता है, जैसे कोई गाड़ी में ST कॉइल पे आपके प्लेटिना के अंदर यहाँ पे करंट नहीं आता है, तो आप सेम टू सेम ये प्रोसेस, बिल्कुल सेम वायरिंग है, बिल्कुल 19-20 का भी कोई फर्क नहीं है दोस्तों इसके अंदर। तो इसका मतलब ये जो वीडियो है ये प्लेटिना में भी मतलब बिल्कुल सेम टू सेम काम आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इधर अगर सोचो कभी हमारे ये ST कॉइल के अंदर करंट नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, और आप चाबी ऑन ऑफ कर रहे हैं, जैसे यहाँ चाबी ऑन ऑफ कर रहे हैं, यहाँ न्यूट्रल की लाइट वगैरह सब शो हो रही है, मगर फिर भी आपके यहाँ पर ST कॉइल के अंदर करंट नहीं आता है, तो आपको क्या चेक करना है दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगी इसकी CDI ख़राब है या गाड़ी के मैग्नेट कॉइल के अंदर स्टार्टिंग कॉइल ख़राब है, वो आप कैसे पता चल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम CDI पे आ जाएंगे, ठीक है, या ST कॉइल पे, यहाँ से भी डायरेक्ट देखो, आप यहाँ से प्रोसेस से भी शुरू कर सकते हो, ST कॉइल से CDI, CDI से मैग्नेट कॉइल, या आप CDI से भी शुरू कर सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर है दोस्तों। मैं CDI से आपको बताता हूँ कि उसको चेक करना कैसे चेक करना है। अगर सोचो आपके ST कॉइल में करंट ही नहीं आ रहा है सबसे पहले, तो आपको मैं ये बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ से चलो एक बार यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से कैसे चेक करना है कि आपके ST कॉइल ख़राब है या पीछे CDI से करंट आ रहा है। अब जैसे मैं एक वायर टेस्टिंग बल्ब ले लेना है आपको, एक वायर में ये ST कॉइल का वायर निकाला है दोस्तों मैंने, जो एक सिंगल वायर इसके ऊपर जाता है और एक अर्थिंग का वायर लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब का वायर मैं इसमें लगा देता हूँ और एक को मैं अर्थिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब किक मारना रवि, किक मारना आके, ये देखो दोस्तों, अगर यहाँ बल्ब जल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब आपकी CDI से यहाँ तक करंट आ रहा है और आपकी यहाँ ST कॉइल ख़राब है दोस्तों, ठीक है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ सीधा एंड पे लाके बता दिया कि यहाँ पर करंट आ रहा है, जैसे ही यहाँ बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब आपकी ST कॉइल ओके है और आपकी CDI ओके है, ST कॉइल ख़राब है, ST कॉइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपने यहाँ बल्ब लगा दिया और एक किक मारना एक बार, ये लाइट नहीं जल रही है, तब फिर आपको क्या चेक करना है दोस्तों, ठीक है, एक बार और किक मारो, देखो दोस्तों अगर ये लाइट नहीं जलती है, ठीक है बस, तो आपको क्या चेक करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी CDI निकालनी है, आपको पता करना है CDI ख़राब है या इसमें इनपुट करंट आने वाला वो ख़राब है। देखो दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, ये तीन वायर हैं, सॉरी, एक तो ये रेड कलर का है, एक ये वाइट कलर का है, ठीक है, और ये ब्लैक में वाइट कलर का जो अर्थिंग का आ रहा है इसका। इन वायरों में हमको इनपुट चेक करना है कि इनपुट CDI में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग रेड कलर के वायर में चेक करेंगे कि रेड कलर के वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, रेड कलर का वायर स्टार्टिंग कॉइल का वायर है दोस्तों, ठीक है। अगर ये अगर बीच में कहीं से कटा हो या ये वायर आता है मैग्नेट में से, ठीक है, अगर ये वायर कटा हो या स्टार्टिंग कॉइल ख़राब हो तो यहाँ करंट नहीं आएगा। इसको कैसे चेक करें दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये रेड कलर के वायर में करंट चेक करेंगे जो स्टार्टिंग कॉइल से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको चेक करने के लिए आपके पास ये टेस्टिंग बल्ब होना चाहिए, ये आप बना लीजिएगा, ये रेड कलर का वायर और ये ब्लैक में येल्लो कलर का वायर, दोस्तों पास में लग रहा हूँ दोस्तों, ये दो वायर दिख रहे होंगे, रेड कलर और इसके पास में ब्लैक में येल्लो कलर, ठीक है। ये इसको चेक करने के लिए सबसे पहले रेड वाले में एक वायर की पिन डाल दें और ब्लैक में येलो कलर इसमें एक डाल दें, ठीक है दोस्तों। ये दो वायर की पिन हैं, दो जो हमने एक रेड में डाल दिया है और एक ब्लैक में येलो में डाल दिया दोस्तों, ठीक है। इसमें हम किक मार के देखेंगे, किक मारना, किक, देखो दोस्तों इसमें आपकी करंट आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी ये स्टार्टिंग कॉइल ओके है। अगर इनकेस इसमें करंट नहीं आता है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या चेक करना है, इधर लिख रहा हूँ,
दोस्तों ये वाला वायर देखो, यहाँ जो इन यहाँ जो करंट आता है इधर से लेकर यहाँ जो करंट आ रहा है इसमें स्टार्टिंग कॉइल के अंदर, ये वाला वायर आ रहा है अपने मैग्नेट कॉइल में से। ठीक है दोस्तों, इस मैग्नेट कॉइल में से आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो रेड कलर का वायर है और ये जो येलो ब्लैक में येलो कलर का वायर जा रहा है, यहाँ तक इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है। सबसे पहले आप यहीं लगा के चेक कर लेंगे कि यहाँ से आपका मैग्नेट करंट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, सॉरी मैग्नेट का जो स्टार्टिंग कॉइल है वो आपका करंट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, पहले यहाँ चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है बीच में से वायर टूटने के कारण यहाँ पर करंट नहीं आता है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा कि यहाँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो मैंने एक रेड में वायर डाला है और एक ब्लैक में येलो धारी है उसमें वायर डाला है। ठीक है रवि, किक मारना एक बार। देखो दोस्तों इसमें करंट आ रहा है, तो इसका मतलब आपके यहाँ से स्टार्टिंग कॉइल ओके है। अगर यहाँ पर करंट नहीं आता है, किक मारना, अगर किक मारने पे आपके मैग्नेट कॉइल से यहाँ करंट बाहर नहीं निकल रहा है तो आपको कंफर्म है कि इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग कॉइल मैग्नेट कॉइल में स्टार्टिंग कॉइल लगी हुई है वो ख़राब है। वो आप कस्टमर से परमिशन लेके आप या तो उसे चेंज कर दें, ठीक है, तो बेटर ये रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये मैं और दूसरा आप ये भी चेक कर लें यहाँ से लेके इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को ये बज़र पे लेना पड़ेगा। ठीक है रवि पकड़ने का, ये बज़र पे लेना पड़ेगा और एक वायर मैं ये रेड वाले में डाल देता हूँ, दूसरा यहाँ पे रेड वाले में डाल देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ बज़र बी पॉन हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी ओके है। अगर बी पॉन नहीं हो तो इसमें वायर कहीं टूटा हुआ है, उसको आप रिपेयर करें या तो यहाँ से लेके यहाँ डायरेक्ट जोड़ दें दोस्तों। ठीक है, सेकंड आपको ये ब्लैक में येलो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें यहाँ तक। ये देखो दोस्तों यहाँ इसकी कंटिन्यूटी ओके है। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी ओके नहीं हो तो बीच में कहीं वायर टूटा है, इसे आप रिपेयर भी कर सकते हो या तो यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग कॉइल का बता दिया। इनमें दो वायर जो यहाँ इनपुट देता है, तीसरा इनपुट देता है दोस्तों ये जो वाइट में रेड कलर की धारी है। ठीक है दोस्तों, वाइट में रेड कलर की धारी ध्यान रखना है, ये है हमारे पिकअप कॉइल का वायर दोस्तों। ठीक है, पिकअप कॉइल अगर सिग्नल नहीं देगा कि पिस्टन टॉप पे है या कहाँ पर है, पिस्टन की पोजीशन नहीं बताएगा, तब तक सीडीआई आगे करंट नहीं भेजेगी एसटी कॉइल के पास दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ चेक कर लेना है रेड में वाइट धारी दोस्तों, अभी बता रहा हूँ आपको। मल्टीमीटर को बज़र पे ही रख लेना है वापस। ठीक है, एक वायर आपको रेड में वाइट धारी में डाल देना है, दूसरा वायर आपको ब्लैक में येलो धारी है उसमें डाल देना है। इसमें आप रीडिंग देखोगे 232 तक, 200 दोस्तों अगर 231-32 240 तक, ठीक है मिनिमम मैक्सिमम 240-245 तक जाए तो ओके है, और अगर ये जाता है 220 से लेके 240 तक की रीडिंग जाती है इसके अंदर तब ये ओके है आप कम पिकअप कॉइल। ठीक है दोस्तों, अगर ये जीरो बताता है या वन बताता है ओनली फोर, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पिकअप कॉइल ख़राब है, आपको पिकअप कॉइल चेंज करनी पड़ेगी या यहाँ रीडिंग ही शो नहीं होता तो आप यहाँ चेक करते कहाँ पर ये मैग्नेट कॉइल से जो वायर निकल रहा है। देखो ये रेड में सॉरी वाइट में रेड धारी इसमें चेक कर लीजिएगा और एक ब्लैक में येलो धारी दोस्तों इनमें चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब आपका पिकअप कॉइल ओके है, अगर इनमें रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब पिकअप कॉइल ख़राब है, तो आप पिकअप कॉइल चेंज करिए दोस्तों। और कई बार यही होता है कि यहाँ से जो वाइट कलर का जो ये वायर गया हुआ है यहाँ तक ये टूटा हुआ होता है, तो इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे इसकी कंटिन्यूटी ओके है, ठीक है, अगर ये टूटा हुआ हो तो आप इसको रिपेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, ये तीन आउटपुट तीन इनपुट तो मैंने आपको बता दिए कि इनके अंदर तीन इनपुट कौन कौन से वायर से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये तीन इनपुट जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक आउटपुट निकलता है जो एसटी कॉइल पे जाता है सीधा, ये जो ब्लैक कलर का वायर है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का वायर सीधा एसटी कॉइल पे जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये आउटपुट निकलेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा चेक नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है यहाँ से लेके कहाँ पर ये आपके एसटी कॉइल की इस वायर पे। ये देखो इस वाले वायर जो एसटी कॉइल पे यहाँ लगता है, यहाँ ला के देखो, यहाँ लगता है देखो दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, अगर इसकी कंटिन्यूटी ओके है, ठीक है, तो इसका मतलब इनपुट भी आपका पूरा सीडीआई में जा रहा है, तो आउटपुट नहीं निकल रहा तो इसका मतलब आपकी ये सीडीआई ख़राब है। अगर सोचो इनपुट भी जा रहा है और यहाँ तक भी करंट आ रहा है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था यहाँ करंट आ रहा है बल्ब लगाने से,
और तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी ST कॉइल ख़राब है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इनपुट CDI में जाने वाला इनपुट बता दिया है, आउटपुट बता दिया है। अब एक वायर और है दोस्तों इसके अंदर, ये ब्लैक में वाइट धारी। दोस्तों अगर ये टूट जाता है तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, अगर ये चाबी स्विच से आता है, ठीक है। अगर ये वायर कहीं बीच में टूट जाए तो आप चाबी ऑफ भी कर देंगे तब भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। गाड़ी स्टार्ट के लिए 4 वायर होते हैं दोस्तों, 3 इनपुट जाते हैं, 1 आउटपुट निकलता है, ब्लैक कलर का आउटपुट निकलता है। और ये जो ब्लैक में वाइट धारी है दोस्तों, ये इससे गाड़ी बंद होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये आपको सिंपल तरीके से बता दिया है। अगर गाड़ी आपकी प्लेटिना गाड़ी, इसमें प्लेटिना का इंजन लगा हुआ है दोस्तों, क्या मेरे पास प्लेटिना नहीं आई थी तो मैंने इसी के ऊपर वीडियो बना दिया। इसमें प्लेटिना का इंजन और प्लेटिना की सेम वायरिंग लगी है, इसमें कुछ 19-20 का भी फर्क नहीं है, आपको वायरिंग दोनों में सेम है। ये ओल्ड मॉडल जो डिस्कवर 110 आई थी, ये उसमें बिल्कुल सेम आया था इंजन दोस्तों, इंजन और वायरिंग इसमें बिल्कुल सेम आई थी आया था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया, अगर आपकी गाड़ी ST कॉइल पे करंट नहीं आए तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।